नमस्ते हिंदुस्तान, रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को संजू सरन का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यादों की श्रृंखला में बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें आपसे साझा करती हूँ। मेरी संस्मरण का शीर्षक है पुरोहित जी। मेरे कथानायक पुरोहित जी हैं। वे कोई नामी गिरामी व्यक्ति तो नहीं है, पर जब वे हमारे गांव आते थे तो सभी की कोशिश होती थी कि वे जितने दिन भी रहें खुश रहें, आराम से रहें। पुरोहित जी छुआछूत को मानते थे। अगर कोई उनकी पीतल की बाल्टी को छू दे तो 10-12 बार मिट्टी से बाल्टी को धोएंगे। फिर गुस्से से बिस्तर जैसे फनफना उठते थे। वे हमारे गांव के नहीं थे, पर शीत ऋतु में मकर संक्रांति के पहले गांव आते थे और वार्षिक सीधा दक्षिणा लेकर अपने गांव चले जाते थे। देखने में दुबले पतले पुरोहित जी, जिनकी धोती घुटने से थोड़ी नीचे की ओर होती थी और खादी के कुर्ते के ऊपर बंडी पहनते थे। खैर, पुरोहित जी का बसेरा हमारा घर ही होता। उनके आने की खबर सुनकर मेरे दादा उनके स्वागत के लिए लग जाते। बैठक में उनके लिए चौकी पर तोशक चादर बिछ जाती। मेरी दादी ट्रंक में रखी हुई नई तकिए की खबर निकालकर चौकी पर सजा देती और दादा पूरे कमरे को चकाचक कर देते। जब मेरे दादा कमरे को चकाचक कर देते तो पुरोहित जी स्नान करके मोटी पाए वाले चौकी पर आसन जमा कर बैठ जाते और दादी ट्रंक से फूल कांसे पीतल के बर्तन निकाल कर धोकर पुरोहित जी को दे देती, मानो वे कोई भगवान हो, नाराज न हो जाए। वो इसलिए सब लोग एक पैर पे खड़े रहते। फिर बासमती चावल, चने की दाल, आलू, देसी घी, सेंधा नमक, सारे मसाले पुरोहित जी को मिल जाते, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते थे। किसी के हाथ के खाना वो नहीं खाते थे। अक्सर मैं बचपन में बड़े दिन की छुट्टियों में गांव आ जाया करती थी। पुरोहित जी को शरारती बच्चे अच्छे नहीं लगते। मैं उन्हें दादा कहती थी। जब वे स्टोव पर खाना बनाते तो वहीं बैठी बैठी मैं देखती थी। घी, हींग और जीरे की छौंक जब चना दाल में लगाते तो अजब सा खुशबू फैल जाता था और आसपास के लोगों को पता चल जाता था कि पुरोहित जी पधारे हैं। मैं उनके साथ बहुत बात करती थी और यही कहती थी, दादा मैं चावल धो दूं, मैं दादा दाल धो दूं, इस लालच में कि पुरोहित जी बची हुई खाना मुझे दे देंगे। वो मेरी अनकही बातों को समझ जाते थे। तब पुरोहित जी कहते, मैया तू नहा के अइला है? तब मैं कहती, हाँ पुरोहित जी हम नहा के अइली है। उनके लिए पानी भर के ले आती। उम्र 13-14 साल की थी मेरी, पर अच्छा लगता था उनके पास रहना। और जब चावल बच जाता तो कहते, मैया दूसर थाली ले आवा, बचल खाना खा लिया। और मैं अंदर से जाकर थाली ले आती। फिर ढेर सारी कहानियाँ सुनाते पुरोहित जी, रामायण की कहानी, दंत कथाएँ। पहले वे क्रोध दिखलाते, फिर बाद में बहुत लाड देते थे। सारा गांव शाम के समय मेरे दलान पे आ जाता था पुरोहित जी के भजन कीर्तन सुनने के लिए। उनके आने से चहल पहल बनी रहती थी। फिर गांव में लोग जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उन्हें दक्षिणा देते थे। जिन्हें चावल की सामर्थ्य थी वो चावल देते थे, अनाज, फल, सब्जी। मेरे दादा भी पुरोहित जी को दक्षिणा देते थे। उनका उनका फिक्स था मेरे घर से दक्षिणा, एक मन चावल, 10 किलो चना दाल, चूड़ा, गुड़, धोती, कुर्ता। अगर आलू की फसल तैयार हो जाती तो एक मन आलू भी पुरोहित जी को देकर मेरे दादा विदाई करते थे। गांव से बैलगाड़ी या इक्के पर पुरोहित जी अपने गांव जाते, पर मुझे इंतजार होती थी उनकी आशीर्वादी की। पुरोहित जी बहुत ही कंजूस थे। जब कंजूस पुरोहित जी मेरे हाथ में 50 रुपये थमाते तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कितना महान हमारी सनातन संस्कृति थी, जहां लोग गुरु को, पुरोहित को भगवान का दर्जा देते थे, पर आज अपने लोगों को ही लोग आदर सम्मान नहीं देते, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। सच, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म
परंपरा कितनी उन्नत थी। मुझे गर्व है अपनी इस परंपरा पर। तो मिलती हूँ मैं संजू सरन फिर से एक नए संस्मरण के साथ। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।